हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ सिटी। फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें आपने देखा था कि क्या कारण था कि हमारे बाल झड़ते हैं, उसका कारण क्या है, वो आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि हमको क्या करना चाहिए, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तब हमें क्या करना है। तो पहले तो आप कारण जान लेंगे कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके खाने पीने में कमी है या फिर आप किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है या आपको फीवर आ रहा है, जो कुछ भी है वो आप वहां जाकर उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। आंवले का मैंने प्रयोग बताया था कि किसी ना किसी रूप में आपको आंवला लेना जरूरी है। आंवला इतना अच्छा बेनिफिट्स देता है बालों के झड़ने में जो आप सोच भी नहीं सकते, तो आप रेगुलर डाइट में आपको आंवला जरूर लेना है। एक कटोरी दही भी डेली अगर शामिल करें अपने खाने में तो उससे भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है हमारे बालों में। बालों में जो रफनेस आ जाती है वो भी दूर हो जाती है धीरे धीरे। अगर आप दही का डेली सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। अलसी जो होती है आपने सुना ही होगा, या फिर आप जाके मार्केट में पूछ सकते हैं कि अलसी के बीज कैसे होते हैं और कहां से मिलते हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे। वो भी बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप अलसी के बीज लेकर आइए, उनको पीस लीजिए या कूट लीजिए, फिर आप उसकी एक छोटी चम्मच अपने डेली लाइफ में आपको इस्तेमाल करना है, लेना है, या आप पानी के साथ ले सकते हैं, शहद में मिला के भी ले सकते हैं। एक चम्मच शहद में एक छोटी चम्मच अलसी के बीजों का पाउडर मिला लीजिए, वो आप खाली पेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अलसी के बीज ऐसे चबा चबा कर भी खा सकते हैं। जब भी आप सिर धोए गीले बालों में कंघी कभी मत करें, क्योंकि गीले बालों की जड़ कमजोर होती है और जब आप कंघी करते हैं तो बाल ज्यादा टूटते हैं। आपको डेली डेली शैम्पू यूज नहीं करना है, इससे भी बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है और बाल रफ हो जाते हैं। आप हफ्ते में 2 बार शैम्पू का इस्तेमाल करें। अगर आपके बालों में ज्यादा गंदगी हो गई है किसी वजह से या आप बाहर आते जाते हैं तो आप 3 बार शैम्पू कर सकते हैं। आप कंडीशनर का यूज मत करिए, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। अगर आप सीरम यूज करते हैं तो आपको सीरम बालों की लेंथ में लगाना है, ओनली बालों की जड़ों में या स्कैल्प में नहीं लगाना है। प्याज भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो प्याज वैसे तो हम खाते ही हैं, सलाद के रूप में भी खा लेते हैं, लेकिन बालों में कैसे यूज करना है, जब भी आप बाल धोने जाएं तो उसे 30-40 मिनट पहले 1 प्याज का रस निकाल लीजिए। आपको कद्दूकस करके प्याज का उसका रस निचोड़ के निकाल सकते हैं। फिर उसमें आपको 4-5 चम्मच दही की डालनी है, दही उसमें मिला लीजिए। अगर आपके घर में फ्रेश एलोवेरा है तो आप उसका गूदा जो होता है वो छील के वो भी डाल सकते हैं उसके अंदर, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके घर में मेथी है, मेथी दाना है, तो उसका अगर पाउडर आपने बना लिया है तो 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर मिला लीजिए। अगर नहीं मिलाना है तो कोई बात नहीं, इन दोनों को लगा सकते हैं, लेकिन मेथी दाना भी डालना है तो डाल लीजिए। इन तीनों को पेस्ट बनाकर आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है। ऐसे करके आप बालों की जड़ों में लगा सकते हैं, ऐसे पार्टीशन कर करके बालों का, उसकी जड़ों में लगा के आप 30-40 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए। ये तभी आपका अप्लाई करना है जब भी आपको सिर धोना है, यानी कि 3-4 दिन के बाद, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, आप खुद ही फील करेंगे। जब भी आप इसको यूज करते हैं पहली बार से ही आपको नज़र आ जाएगा कि आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो दही का प्रयोग करने से वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते, खाली आपके घर में दही है और आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप ये सब नहीं बना सकते, तो खाली दही को ले लीजिए और अपने बालों की जड़ों में लगा लीजिए। सर धोने से 30-40 मिनट पहले आप दही लगा लीजिए, तो वो भी यही काम करती है, बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की बनाती है, न्यूट्रिशन का काम करती है। और अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो डैंड्रफ भी चला जाएगा। अगर आपके घर में दही नहीं है और प्याज है तो खाली प्याज का रस भी लगा सकते हैं। प्याज का रस आप नारियल के तेल में, इतना ही प्याज का रस, जैसे 2 चम्मच प्याज का रस तो 2 चम्मच नारियल का तेल, उसको मिक्स करके भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करना चाहते हैं। फिर अगर आप घर में शैम्पू बनाना चाहते हैं और बाहर के शैम्पू नहीं यूज करना चाहते, क्योंकि शैम्पू जो बाहर से आते हैं उनमें बहुत सारा केमिकल होता है, तो घर में भी आप बड़ी आसानी से शैम्पू बना सकते हैं। 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम शिकाकाई और 100 ग्राम रीठा लेना है, थोड़ी देर धूप में सुखाना है, फिर आपको उसको कूट लेना है। अगर आपके पास इमाम जस्ता है, जो वो
होता है, अगर वो आपके घर में है तो उसमें कूट लीजिए, दरदरा कूटना है। मिक्सी से अच्छा इमाम जस्ते में कूटना होता है। जब भी आपको बाल धोने हैं, जिस दिन आपको बाल धोने हैं उससे एक रात पहले आपको एक कप पानी में 2 चम्मच ये मिक्सचर डालना है, और कढ़ाई आप लोहे की ले लीजिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके घर में लोहे की कढ़ाई नहीं है तो वैसे कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई अगर है तो सबसे अच्छी बात है। फिर आपको इसको पकाना है। पहले आप हाई फ्लेम पे करके इसमें उबाल आने दीजिए, जब उबाल आ जाए तो इसको लो फ्लेम पे 8-10 मिनट के लिए पकाइए। जब ये पक जाए अच्छे से, इसको ढक करके ऐसे छोड़ दीजिए, रात भर ठंडा होने दीजिए। सुबह उठकर आपको उस मिक्सचर को हाथों से ऐसे मिलाना है, सब चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद उस पानी को एक साफ कपड़े में, सूती कपड़े में छान लेना है। छानने के बाद जो कुछ कचरा बचेगा उसको फेंक देना है, क्योंकि उसमें अब कुछ नहीं बचा है, खाली जो पानी बचता है उसे आपको बालों को वॉश करना है। इससे बहुत ज़्यादा आपको फायदे मिलने वाले हैं, आपके बाल थोड़े दिन में टूटने बंद हो जाएंगे, बाल लंबे हो जाएंगे, आपके बालों में शाइनिंग नहीं थी वो शाइनिंग आ जाएगी, पहले से ज़्यादा काले नजर आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे बाल भी पहले नहीं बढ़ते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं मेरे बाल काफ़ी लंबे हो गए। ये मैंने अपने बालों में तेल लगाया हुआ है तो इसलिए थोड़े आपको दबे दबे लग रहे हैं, खिले खिले नहीं लगे हैं, क्योंकि मैंने तेल लगाया हुआ है धोने के बाद। और आप देख सकते हैं मेरे बाल अच्छे लंबे हैं, पहले इतने लंबे नहीं थे, लेकिन जब से मैंने बालों की केयर करनी शुरू की है तो ये बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं, मुझे जल्दी से जल्दी कटवाने पड़ते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तेल की बात करें तो मैं नारियल का तेल इस्तेमाल करती हूँ। नारियल का तेल मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे सूट भी करता है, तो आप भी नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब तेल पसंद नहीं आ रहे हैं, कोई भी मार्केट से तेल लेके आते हैं, तो आपको उसके जाँच पहले करनी है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होने चाहिए, क्योंकि फ़ायदा होने के बाद उल्टा नुकसान हो जाएगा। नारियल का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप यूज़ करके देखिए, आपको भी ज़रूर फायदे नज़र आने लगेंगे। आपको हफ्ते में 2 से 3 बार तेल जरूर लगाना है। जब भी आप तेल लगाते हो तो हल्के हाथों से आपको बालों की ऐसे मसाज करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा तेज आपको मालिश नहीं करनी है, जैसे बहुत ज़्यादा तेज हाथों को चला के मालिश करते, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, धीरे धीरे मसाज करनी है। और एक हमारे सर में एक्यूप्रेशर होता है, यहाँ पे होता है, तो आपको ऐसे ऐसे करके कई बार, आप जितनी बार भी चाहे अपने सर में ऐसे आपको थेपी लगानी है। तो जब भी आप तेल लगाएं ये आपको करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन सारे सिर में होने लगता है, अच्छे से होने लगता है। जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी होती है या ब्लड की कमी होती है, तो अच्छी तरह से ब्लड वहाँ पे जा के ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है, तो इससे भी हमारे बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, और जो भी समस्या है बालों की वो आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप ये नुस्खे इस्तेमाल करेंगे या इस तरीके से अपने बालों का ध्यान रखते हैं, तो बहुत जल्दी सभी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।